दिल्ली से हैं श्री प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। देखो नमस्कार सर। अकीम साहब से बात करनी थी मैडम। जी जनाब, आपका स्वागत है। जय हिंद। हाँ नमस्कार अकीम साहब। जय हिंद जय हिंद। बताइए क्या सवाल मेरे है। को अकीम साहब, एक तो गोंदिया मंगाया था जी आपके यहाँ से, उसको जब मैं लेता हूँ तो वो मुंह में चिपकता है जी। एक तो इसका बताएं मेरे को, और जैसे आपकी संस्था से एक दो दवाई चल रही है तो उसके लेने का ब्रेक कितना होना चाहिए। ठीक एक ये सवाल है जी, और एक पिताजी के बारे में पूछा था मैंने आपसे, 2-3 दिन पहले कॉल करी थी, आपसे बात हुई थी। तो 80 साल उनकी एज है, उनको मेन प्रॉब्लम तो कब्ज की है जी, और दूसरा बीपी रहता है जी, शरीर में कमजोरी है और मेमोरी वीक है। एक उसके बारे में पूछना था आपसे। आपको कुछ फायदा शुरू हो गया? मैं वो गोंद क्या तो ले रहा हूँ जी, लेकिन लेता हूँ ना तो वो जैसे मुंह में चिपकता डालते तो ही इधर उधर चिपक जाता है जी, उसका लेने का तरीका थोड़ा बता देते जी हाँ। आप। नहीं, कितने दिन से ले रहे हैं? कुछ फायदा शुरू हुआ? अच्छा अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है जी, अच्छा फायदा कोई तो है बात मेरे नहीं को। कोई हाँ बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ देखिए, गोंद को लेने का तरीके कई हो सकते हैं। मलाई में मिला ले, थोड़ी देर छोड़ दे तो ये मलाई को पी लेता है आधा घंटे के अंदर, या इसको पानी में मिला दे, जरा से पानी में, 1 चम्मच पानी में, आधा चम्मच पानी में डाल के छोड़ दे, तो ये पानी को पी लेगा। और आप जब इसे खाएंगे तो फिर मुंह में नहीं चिपकेगा, बल्कि पानी के साथ आप ले सकते हैं, शहद में मिला के ले सकते हैं, कड़वा तो होता है ये। और अभी शुरुआत हुई है, जिस तरह से आप इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं, और खाली कैप्सूल मिलते हैं उसमें भर के ले सकते हैं। तरीका वो जो आपको आसानी से हो जाए, इस तरह लेना शुरू करें, अभी फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए। और पिताजी का ऐसी ख्याल रखिए, देखिए बहुत कीमती हैं दुनिया में माँ बाप, जिनके भी जिंदा हैं वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं। और पिताजी के लिए कोई नुस्खा अगर आपने नहीं लिया है तो उनके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा। नमक जैतून असली ले और 2 गिलास पानी में मिला दें, मिक्स हो जाता है आसानी से, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। ये पानी उन्हें पिलाना है। और अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी तो आप जानते हैं, अलसी और धनिया हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच ये दोनों का पाउडर खाएं और ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार, बस आपके पिताजी भी स्वस्थ हो सकते हैं।